नमस्कार, मैं प्रदीप रथ आप सबका आभारी हूँ पिछले वीडियो को सपोर्ट करने के लिए। मैं आज पानी की समस्या के बारे में अपना अनुभूति शेयर कर रहा हूँ। इस साल की अप्रैल महीना की बात है, सूचना मिली भुवनेश्वर से 60 किलोमीटर दूर निमापड़ा ब्लॉक के भिलीग्राम गांव में लोग पानी की कमी के लिए परेशान हैं। वहाँ सारे ट्यूबवेल डिफंक्ट हो गए हैं। सोचा क्यों ना वहाँ जाकर इस प्रॉब्लम का सॉल्व करूँ। अगले दिन ग्राउंड वाटर एक्सपर्ट इंजीनियर सुशांत पटनायक का साथ गांव जाकर उसके एक्चुअल डाटा कलेक्ट किया। पता चला कि उस गांव के पॉपुलेशन 1500 है। यह गांव में 4-5 एकड़ के 7 बड़े बड़े तालाब है। इसके अलावा लगभग 70 घरों के पीछे छोटा तालाब है, मगर ये सारे सूख गए हैं। ये गांव 25 मीटर एवव सी लेवल होने की वजह 20 मीटर से ज़्यादा डीप ट्यूबवेल हो नहीं पाएगा, वरना पानी खारा हो जाएगा। हम गांव के मुखिया लोगों को बुला के एक मीटिंग किया। एक्सपर्ट पटनायक साहब ने यह भी बताया कि आप लोग गर्मियों में अधिक पानी कंज्यूम करने वाले डालो वैरायटी के पैडी कल्टीवेट कर रहे हो, जिससे ग्राउंड वाटर ज़्यादा एक्सट्रैक्ट हो रहा है और पानी का लेवल नीचे चले जा रहा है। पानी की इस उत्कट समस्या के समाधान बताते हुए उन्होंने कहा, अगर सारे तालाब 4-5 फीट डीप होगा तो बारिश में ज़्यादा पानी स्टोर होगा और ग्राउंड वाटर रिचार्ज होकर पानी का लेवल बढ़ेगा। ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ जाने से ट्यूबवेल और छोटा तालाब में पानी रहेगा, पर हमें इस खुदाई का शुरुआत अभी से करना होगा ताकि अगले साल पानी की समस्या में सुधार होगा। पहले तो लोग बोले कि यह सरकार का काम है, हम क्यों करें। काफी समझाने के बाद वो काम करने के लिए तैयार हो गए। आज के तारीख में मनरेगा स्कीम में 3 तालाब की खुदाई हो चुकी है, बाकी 4 की प्लानिंग चल रहा है। दोस्तों, ये याद रखें, हमारे फ्रेश वाटर के एक ही सोर्स बारिश है। हमारा देश के एवरेज एनुअल रेनफॉल 1100 मिलीमीटर है, जो कि वर्ल्ड एवरेज से बहुत ज़्यादा है। फिर भी हम पानी के समस्या के लिए जूझ रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि जहाँ भी संभव है हम चौका या गड्ढा खोदकर पानी संरक्षण की कोशिश करें। अगर हम ये कर पाए तो न केवल पानी स्टोर होगा बल्कि ग्राउंड लेवल बढ़ेगा। अगर ऐसे व्यवस्था हम कर पाए तो हमारे मुल्क में पानी की समस्या कभी नहीं रहेगा। इसकी शुरुआत हमें अभी करना चाहिए। दोस्तों, क्या आप सब पानी की समस्या दूर करने के लिए इसके संरक्षण में हमारे साथ जुड़ेंगे?